अपने मनपसंद सीरियल्स देखने के लिए अल्ट्रा टीवी सीरीज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। हेलो हेलो अबू, अस्सलाम वालेकुम। अरे रूही बेटा, कैसी हो? बस अबू, जिंदा हूँ इतना ही समझ लीजिए। ऐसी बातें क्यों करती हो बेटा? पुरानी बातों को भूल जाओ और आने वाले कल में नए रास्ते तलाश करो। बस अबू, अब मुझे कुछ तलाश करने की जरूरत नहीं है, बस जी रही हूँ वही काफी है। एक बात कहूँ बेटा, तुम अब शादी कर लो। अबू आप तो सब जानते हैं ना, फिर भी। नहीं रूही बेटा, अगर तुम अपने गुजरे हुए कल को अपने आने वाले कल पर हावी होने दोगी तो तुम्हारी जिंदगी दोजख बन जाएगी। आप मेरी फिक्र ना करें अबू, जख्म गहरे हैं, धीरे धीरे भर जाएंगे। बेटा जानती हो मैंने तुम्हें वहां क्यों भेजा? ताकि तुम्हारा दिल लगे, तुम पुरानी बातों को भूल जाओ। वहां तुम्हारी खाला हैं और उनके घर में तीन लड़कियां भी रहती हैं जो पेइंग गेस्ट हैं, वो बहुत खुशमिजाज हैं। बेटा अगर तुम कोशिश करोगी तो तुम्हारा दिल जरूर लगने लगेगा। दरवाजे पर कोई है बेटा। क्यों अबू, वो नौकर किधर चले गए? अरे वो बाजार गया हुआ शायद, वो ही हो। एक मिनट। अरे वालेकुम सलाम ताहा, तुम कैसे हो? ठीक हूँ अंकल। और अचानक यहाँ आना कैसे हुआ? अंकल सारी बात यहाँ करेंगे या अंदर? हाँ हाँ आओ। अंकल जब से रूही घर छोड़ के गई है, इस घर की रौनक चली गई। ये तो ताहा की आवाज है। तो बताओ क्या बात है? बस अंकल यूं ही चला आया। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, जरूर मुझसे कुछ कहना चाहते हो। रूही कैसी है? रूही बहुत खुश है, उसकी शादी हो गई है और वो अपने शौहर के साथ बहुत खुश है। खुश है? नहीं अंकल, रूही खुश नहीं हो सकती। मेरी जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए रूही ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी और साथ ही मेरी जिंदगी भी बर्बाद कर दी। जुबी ने मुझे धोखा दिया। अंकल क्या फायदा हुआ रूही की कुर्बानियों का? मेरी जिंदगी में जो आप तूफान आया अंकल, उसकी जिम्मेदार सिर्फ रूही है, सिर्फ रूही। जिंदगी में कभी हम अलग हो गए और तुम्हें जिंदगी की सारी खुशियां मिल गई, तभी क्या तुम मुझे याद करोगे? रूही जिंदगी में अगर हम जुदा हो गए तो याद रखने की नौबत आएगी ना, वरना नहीं। फिर भी ताहा, पता नहीं क्यों हमारे इतने दुश्मन पैदा हो गए हैं कि
मुझे पूरे वक्त यही डर लगता रहता है कि कहीं कोई तुम्हें मुझसे अलग ना कर दे। नहीं रूही, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। हम दोनों के नाम हमारी तकदीरों में लिखे गए। फिर भी ताहा। ओफो, रूही, हम यहाँ प्यार मोहब्बत की बातें करना है और तुम होके जुदाई की बातें लेके बैठी हो। वेरी बैड। फरमाइए, इस नाजीज को आपने कैसे याद किया? जी, एक मसले पर आपकी राय लेना चाहता हूं। फरमाइए। चौधरी साहब, लौटा हुआ वक्त और गुजरी हुई जिंदगी वापस नहीं आती, चाहे इंसान कितनी भी कोशिश कर ले। और रूही भी तहा की जिंदगी में वक्त की तरह आई और चली गई। अब अगर ताहा ये सोचे कि वो वक्त उसकी जिंदगी में वापस आ जाएगा तो ये उसकी बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। क्यों? अब फिर ताहा ने कोई हरकत की है क्या? जी, वो मेरे घर आया था और रूही के बारे में पूछ रहा था। अगर ताहा ने ऐसा किया है तो बहुत गलत किया है। और ये कह रहा था कि रूही ने अपने साथ साथ उसकी जिंदगी भी बर्बाद कर दी है। अब ताहा को रूही की जिंदगी से क्या मतलब? यही तो मेरी समझ में नहीं है कि ताहा को रूही से क्या मतलब है। और हां, वो एक बात और कह रहा था कि जूबी ने उसे धोखा दिया। चौधरी साहब, ये कैसे हो गया? सारा मसला तो हल हो गया था। ताहा जूबी तो एक साथ बहुत खुश थे, फिर अचानक ये। अबरार साहब, इंसान लालच का पुतला है, उसे किसी चीज से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। और ताहा तो छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता है। कल जूबी ने कुछ कह दिया उससे, वो घबरा कर आपके पास चला है। ये तो गलत बात है, आप ताहा को समझाइए, उसे कहिए कि रूही का नाम अपनी जिंदगी के सफों से मिटा दे। रूही ने ताहा और जूबी को खुश देखने के लिए न सिर्फ अपना घर और शहर बल्कि अपना बाप भी छोड़ दिया। फिर उसकी इस कुर्बानी का मतलब क्या रह जाएगा चौधरी साहब? अबरार साहब, आप टेंशन ना लें, अभी मैं जिंदा हूं और मेरे रहते हुए आपको कोई तकलीफ हो जाए ये मैं नहीं बर्दाश्त करता। शुक्रिया। बस मैं आपको कैसे समझाऊं चौधरी साहब कि रूही अपनी जिंदगी को संभालने की कोशिश कर रही है और मैं नहीं चाहता कि अब उसकी जिंदगी में कोई दूसरा तूफान आए। खुदा खुदा हाफिज़। वाह प्यारे वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। वेरी हैप्पी। लेकिन जनाब, एक बात मेरी बड़ी खोपड़ी के छोटे से भेजे में आ नहीं रही है, वो ये है क्या जूबी मैम साहब ये अचानक भाग क्यों गई? ये तो एक बहाना है प्यारे, दरअसल तेरी जूबी मैम साहब मेरे डर से भागी है। आपका डर? हाँ, मेरा डर। सबके सामने उसकी असलियत खोल कर रख दी थी मैंने, इसीलिए वो भाग गई। इसका मतलब है वो कभी नहीं आएंगे?
Well, जब तक मैं हूँ तब तक तो वो यहाँ नहीं आ सकती है। इसका मतलब है आपके रास्ते का कांटा कट गया। प्यारे वो कांटा नहीं था, वो एक पत्थर था, पत्थर। उसका हटना बहुत जरूरी था। Well, तू एक काम कर, इस घर में होने वाली हर छोटी मोटी बात की खबर मुझे देता रहे, ओके? साहब ये भी कोई कहने की बात है? तब मेरी रगों में खून से ज्यादा आपका नमक धुल रहा है। प्यारे संभल के, संभल के। ज्यादा नमक ब्लड प्रेशर की निशानी है और ज्यादा ब्लड प्रेशर ब्रेन हैमरेज की निशानी। Okay, take care. ना बेशर्मों को ना ब्लड प्रेशर होता है ना ब्रेन हैमरेज होता है। हर बीमारी जो है ना शर्मा जाती है दूरी से। Enough. क्या? ये तुमसे किसने कह दिया कि जुबी हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर चली गई? वो चिट्ठी छोड़ गई, ताह साहब ने चिट्ठी पढ़कर मुझसे कहा। तो इसका मतलब ताह को मालूम है? ये क्या कह रहा है कि जुबी घर छोड़कर चली गई? जी बड़े अब्बू। लेकिन क्यों? कल रात की बात पर वो नाराज हो गई और घर छोड़कर चली गई। अरे ये तो चौधरी खानदान के लिए बड़े शर्म की बात है। अगर लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? कहां लोग हमारे ऊपर उंगलियां उठाएंगे। बड़े अब्बू ये तो भाईजान को तब सोचना चाहिए था जब इन्होंने उस औरत से शादी की। मंतशा अपनी जबान पर काबू रखो। मैं तो अपनी जबान पर काबू रख लूंगी, लेकिन अगर आपने अपनी बीवी पर काबू रखा होता तो ज्यादा अच्छा होता। बस बस चुप हो जाओ। आपस में झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं था। जुबी ने वैसे ही भागकर तुम लोगों की नाक कटवा दी। तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारा घरेलू मामला है। कहा तुम भूल रहे हो कि मैं भी इस घर का फैमिली मेंबर। तुम सिर्फ एक धोखेबाज, और तुम्हारे साथ हमारा कोई मतलब नहीं है, समझे? तो अगर आप शेर को बिल्ली कहेंगे तो वो बिल्ली तो नहीं बन जाएगा, हा? इसी तरह सच सच है, उससे तुम लोग अपना दामन नहीं बचा पाओगे। सच से अपना कोई दामन नहीं बचा पाया है, इसीलिए तुमसे कह रहा हूं कि जरा संभल के रहना। जिस दिन तुम्हारी असलियत का पता चलेगा ना, उस दिन तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। ओह शट अप ओल्ड मैन, बकवास करे जा रहे हो। जब से आया हूं तुझसे बकवास किए जा रहे हो। अपनी उम्र का ख्याल करो, वरना एक दिन फिर से दिल का दौरा पड़ेगा तुम्हें और तुम इस दुनिया से अल्लाह मियां के पास पहुंच जाओगे। बस 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 बहुत हो गया। अपने बड़ों से इस तरह बात करते हैं? हाँ सही कहा तुमने, था बिल्कुल सही कहा तुमने। ये मुझसे वाकई बड़े हैं, हर लिहाज से बड़े हैं। झूठ में, मक्कारी में, धोखे में, फरेब में, बेईमानी में, हर लिहाज से ये मुझसे बड़े हैं। इस घर में ये बुरी नीयत से ही आए हैं और मेरे अब्बू को भी इन्होंने ही गायब करवाया है। क्या बकवास कर रहा हो? मैं अपने भाई को मरवाऊंगा? क्या मैं इतना गिरा हुआ हूं? तुम, हाँ हाँ तुम गिरे हुए हो, गिरे हुए इंसान हो तुम। अरे अगर तुम्हारा बस चले ना तो एक एक करके तुम इन सबको मरवा डालो।
फोन कर रहा है ये। बड़े अबू। अबू। बड़े बड़े अबू। बड़े अबू। डॉक्टर साहब आप तो बिलावजह में परेशान हो रहे हैं। दरअसल मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। वो तो मैं भी जानता हूं कि आपको कुछ नहीं हुआ है, आप बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। लेकिन इसी तंदुरुस्ती को बरकरार रखने के लिए मैं आपको कुछ दवाइयां लिख के देता हूं। और हाँ, इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। जी डॉक्टर। और दवाइयां वक्त पर देते रहेंगे तो एक दो दिन में भाग दौड़ भी करने लगेंगे। हम इस बात का ख्याल रखेंगे डॉक्टर साहब। मैं शाम को फिर आके इनका चेकअप करूंगा। जी ओके चौधरी साहब, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। खुदा। Sorry.